मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिए हैं, लेकिन उनके दल के नेता गाहे बगाहे इस मुद्दे को उठा ही देते हैं। इन दिनों पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है, इसमें लाल किला दिखाया गया है। पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, देश को आपका इंतजार है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देखते रहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह पोस्टर जदयू के MLC खालिद अनवर ने जगह जगह पर लगाया है। अब इस पोस्टर पर विवाद गहरा गया है। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या फिर पोस्टर यूं ही लगा दिया गया है। खालिद अनवर ने सोमवार को इफ्तार पार्टी दी थी, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इस इफ्तार की दावत के हॉल में चारों तरफ लाल किला का पोस्टर लगाया गया था। मुख्यमंत्री को उस जगह पर बैठाया गया जहां बैकग्राउंड में लाल किला था। अब यह वीडियो और पोस्टर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी मंत्री अशोक चौधरी को दी तो अशोक चौधरी ने कहा कि अलग अलग तरीके से लोग फोटो लगा देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही अपने आप को इस रेस से बाहर बताया है। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए तैयार है, उसी के तहत वह आगे भी काम करेंगे। इस मसले पर जब खालिद अनवर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यह तय करने वाले नहीं है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कौन देश का गृह मंत्री बनेगा। देश की जनता यह तय करती है कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। अमित शाह के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कि प्रधानमंत्री के लिए देश में कोई वैकेंसी नहीं है, इस पर खालिद अनवर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट करके देश के नेता बनेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। बिल्कुल 2024 में देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बल पर 1994 और 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं और परिणाम काफी खराब आए थे। वहीं जिस विपक्षी एकता की बात कहते हैं, वही विपक्षी एकता के नेता नीतीश कुमार को कभी नेता बनाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वह सपना देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पोस्टर पर गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि लाल किले का सपना पूरा हो गया, अब एफिडेविट करवा कर नाम में PM सटवा लीजिए। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने भी नीतीश कुमार पर तंज किया था। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।